नमस्कार किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज हम एक ऐसे ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे जो दिखने में बाइक जैसा है, लेकिन उसके फीचर्स ट्रैक्टर जैसे हैं। पहली बार जिसने भी इस ट्रैक्टर का डिजाइन देखा वह एक बार जरूर चौंक गया। इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए ना तो लाइसेंस की जरूरत है ना आरटीओ रजिस्ट्रेशन की। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं स्वराज कोड ट्रैक्टर की। यह स्वराज का सबसे छोटा ट्रैक्टर है। स्वराज ने इसे नाम दिया है यस मशीन। कंपनी का कहना है कि यह खेती के लिए पहली यस मशीन है। इसे ना कहना नहीं आता। यह पावर टिलर और ट्रैक्टर के बीच की मशीन है। इसमें मिनी ट्रैक्टर वाले सभी फीचर्स दिए गए हैं। यह पेट्रोल से चलने वाला पहला ट्रैक्टर है। कोड एक स्मार्ट और मल्टीपर्पज उपकरण है। इसका छोटा साइज इसे फसल देखभाल कार्यों जैसे निराई और छिड़काव आदि के लिए आदर्श बनाता है। इसके चलाने का खर्चा भी बहुत कम आता है। यह ट्रैक्टर कम चौड़ाई वाली फसलों व बागों में बेहतर तरीके से काम करता है। इसमें ड्यूअल ग्राउंड क्लियरेंस का सबसे बेहतरीन फीचर दिया गया है, जिससे इस ट्रैक्टर को खेत के हिसाब से ऊंचा नीचा किया जा सकता है। इस ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस काफी कम है, जिससे ट्रैक्टर कम जगह में भी आसानी से घूम जाता है। यह ट्रैक्टर स्टेबल और सेफ है। इसमें मल्टी स्पीड का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही बाई डायरेक्शनल का फीचर दिया गया है, जिससे इस ट्रैक्टर को दोनों तरफ आगे व पीछे की दिशा में चलाया जा सकता है। कंपनी ने इसे 4 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में लॉन्च किया है। अब जल्दी ही इसे अन्य राज्यों में भी लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। इस ट्रैक्टर में होंडा का GX390 इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल से चलता है। यह सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक और 11.1 HP के साथ दिया गया है। इसकी क्यूबिक क्षमता 389 cc की है। इंजन रेटेड RPM 3600 दी गई है। एयर फिल्टर ड्राई टाइप का दिया गया है। स्टार्टिंग का सिस्टम सेल्फ स्टार्ट और रिकॉइल स्टार्ट टाइप का दिया गया है। यह एक एयर कूल ट्रैक्टर है। इसमें किसी प्रकार का कोई रेडिएटर नहीं दिया गया है। इस ट्रैक्टर में स्लाइडिंग मैश टाइप का ट्रांसमिशन दिया गया है। गियर लीवर साइड शिफ्ट होते हैं। आगे के लिए 6 गियर और पीछे के लिए 3 गियर दिए गए हैं। अधिकतम स्पीड आगे की तरफ 16.7 किलोमीटर प्रति घंटा की है और पीछे की तरफ 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इस ट्रैक्टर में सिंगल ड्राई डायफ्राम टाइप की क्लच दी गई है। कंपनी ने इस ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक का फीचर भी दिया है। स्वराज कोड ट्रैक्टर में मैकेनिकल स्टीयरिंग दी गई है। ब्रेक तेल में डूबे हुए दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके PTO और हाइड्रोलिक सिस्टम की। इस ट्रैक्टर में 1000 RPM की स्पीड वाली PTO दी गई है। इसकी लिफ्टिंग की क्षमता 220 किलोग्राम की है। इस ट्रैक्टर का कुल वजन 455 किलोग्राम है। लंबाई 1180 mm की है। चौड़ाई 890 mm की है। व्हील बेस 1463 mm है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 266 mm है। इस ट्रैक्टर में ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने की सुविधा भी दी गई है, जिसे इसे बढ़ाकर 554 mm का भी किया जा सकता है। ट्रैक्टर के अगले टायर 4-9 और पिछले टायर 6-14 के साइज में दिए गए हैं। टायरों का यह साइज इंटरक्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत बेहतर है। यह ट्रैक्टर 2-व्हील ड्राइव में आता है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर से खेती के कौन कौन से काम आसानी से कर सकते हैं। स्वराज को ट्रैक्टर खरपतवार नियंत्रण, दवा व कीटनाशक छिड़काव और कटाई के काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। इस ट्रैक्टर की सहायता से लाइन में उगने वाली फसल जैसे सब्जियां, फल, कपास, गन्ना और मूंगफली की खेती में खरपतवार निकालना बहुत आसान है। यह ट्रैक्टर कम चौड़ाई की वजह से दो नजदीकी लाइनों के बीच बेहतर तरीके से काम करता है। ड्यूअल ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से यह बढ़ती फसलों के ऊपर आसानी से चल सकता है। इसके 2-वे हाइड्रोलिक से कम वजन वाले कल्टीवेटर भी अच्छी गहराई से खरपतवार निकाल सकते हैं। यह ट्रैक्टर छिड़काव के काम में समय और पैसा दोनों बचाता है। इसका 1000 RPM का PTO स्पीड इसे छिड़काई के लिए उपयुक्त बनाता है। यह कटाई को तेज, आसान और सुरक्षित बनाता है। अब आपको बताते हैं स्वराज कोड के साथ कौन कौन से कृषि उपकरण चलाए जा सकते हैं। इस ट्रैक्टर से रोटावेटर, कल्टीवेटर, स्प्रे पंप, रीपर आदि चलाकर खेती संबंधी काम किए जा सकते हैं। कंपनी इस ट्रैक्टर के साथ 3 फीट का रोटावेटर भी देती है, जिसे आप अतिरिक्त पैसा देकर खरीद सकते हैं। इस ट्रैक्टर की कीमत 1,75,000 रुपये से 1,95,000 रुपये तक है। यह कीमत आपके राज्य व क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको स्वराज कोड के बारे में पूरी जानकारी मिली है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी और ट्रैक्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।